नेक्स्ट वन, सेल्फ इंप्रूवमेंट. सबसे बड़ा हैबिट है सेल्फ इंप्रूवमेंट. अगर आप ये कर सके तो कुछ और करने का जरूरत बचता नहीं है. सेल्फ इंप्रूवमेंट को मैं बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट. हालांकि ये बहुत बड़ा कोर्स है, इट विल टेक 3-4 डेज टू कंप्लीट. 3 से 4 दिन लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में प्रैक्टिकली. लेकिन अगर आप 5-10 मिनट बोलेंगे तो मैं ओवरव्यू दे सकता हूं खाली, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा. लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए. सेल्फ इंप्रूवमेंट किसको बोलते हैं सर? सेल्फ इंप्रूवमेंट बोलते हैं कि 2018 की शुरुआत में आपके पास जितना नॉलेज है, जितना इंफॉर्मेशन है, 2019 में उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए. दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट. दो तरीके से आदमी आगे बढ़ता है, एक तो पढ़ाई लिखाई से और एक तजुर्बे से. और मजे की बात है आपके दोनों हो चुके हैं. पढ़ाई लिखाई जितनी करनी थी आपने, अभी कोई पढ़ तो नहीं रहा आप में से? धंधे वाले तो सब पढ़ाई वढ़ाई कर चुके होंगे ना यार. पढ़ाई लिखाई हो गई, तजुर्बा जितना लेना था ले लिया. अब आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट. और सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा तब जाके आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. मैं आपको बता दूं, इतना सा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में इतना चेंज लेके आ सकता है. इतना सा इंप्रूवमेंट, अ लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट कैन चेंज योर लाइफ. इतना सा कैसे, मैं बताता हूं आपको. फिगर कितना लिखा दिखाई दे रहा है आपको? कितना लिखा, कितना फर्क है बताइए. चलिए आप बिजनेसमैन है, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं कह सकते ना. इफ आई मल्टीप्लाई बाय 365, दिस इज द डिफरेंस. इतना सा फर्क है, लेकिन एक साल तक इतना इतना फर्क, कितना बड़ा फर्क पैदा करता है. देखिए आपने कितना फर्क था. इसको बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट. अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट में आप इतना सा भी कर सके तो उसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है सर. समझाता हूं आपको एक और एग्जांपल के साथ. द डिफरेंस बिटवीन गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स रिक्वायर्ड एंड डूइंग लेस देन व्हाट्स रिक्वायर्ड, ये डिफरेंस होगा 2018 के एंड में आपकी लाइफ में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, कि जो आपको करना है अगर उससे इतना भी कम किया तो रिजल्ट में इतना फर्क होगा आपके. आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? से यस और नो? समझाता हूं एक और एग्जांपल के साथ. मार्जिनल इंप्रूवमेंट से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा यार तब जाके लाइफ स्टाइल चेंज होगा. मैं कहता हूं कभी नहीं होता. इतना सा इंप्रूवमेंट से बहुत कुछ बदल जाता है. आपको कुछ बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारा बदलाव एक दिन में होता भी नहीं है. इतना इतना करते जाइए. और इतना इतना कितना है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं. कौन है आदमी? हाँ, यस यस. नाम किसने बोला? जोकोविच. क्या खेलते हैं ये? टेनिस. मैं आपको आज इनका हिस्ट्री बताता हूं और आपको एग्जांपल के तौर पर यह समझने में आसानी होगी कि छोटा सा इंप्रूवमेंट से रिजल्ट में कितना बड़ा फर्क होता है. देखिए, इसका रैंक था 2004-2005 में 100+, और अगर मैं एग्जैक्ट कहूं, गूगल आप करेंगे तो 600+ रैंक था इसका इन 2004-2000. इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग था दैट वाज 600+ इन 2004-2005 एंड 2006-2010 द रैंकिंग बिकेम, कहां पहुंचा सर ये? नंबर 3. मजा देखिए बाप. प्राइज मनी का डिफरेंस देखिए, 0.3 मिलियन टू इंप्रूवमेंट. क्या है मैंने अभी बताया नहीं आपको. इसने क्या इंप्रूव किया है मैंने बताया नहीं आपको. अभी मैं थोड़ा आपको डेटा दे रहा हूं, फिर मैं इंप्रूवमेंट बताता हूं कितना किया जिससे क्या हो गया. 49% मैच जीतता था ये 2004-2005 में, और 79% जीतने लग गया 2006-2010 में. इन 11-16 ही इज द नंबर वन प्लेयर ऑल अक्रॉस द ग्लोब. ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति था, और पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड रैंकिंग था वो था नंबर. और मैं आपको बता दूं दोस्तों, टेनिस में बहुत पैसे होते हैं. मतलब मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं, आई थिंक यू नो बेटर देन मी, कि टेनिस एक ऐसा क्या कहते हैं खेल है जिसको देखने के लिए, मतलब आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग जाके टिकट बाय करके टेनिस का मैच देखते हैं. मतलब बहुत पैसा, रिचेस्ट गेम है. नंबर वन प्लेयर बना
2010 से लेकर 2016 तक, और प्राइज मनी हो गया 14 मिलियन, फ्रॉम 0.3 मिलियन टू 14 मिलियन। और मैचेस कितने परसेंट जीतने लगा, फ्रॉम 49% टू 90%। इंप्रूव क्या किया और कितना किया यह बताने जा रहा हूं। और यह होता है पॉइंट्स वॉन, कितने परसेंट आप पॉइंट जीतते हैं, आप समझते हैं, है ना। पहले पॉइंट जीतता था कितने परसेंट, 49% जब पॉइंट जीतता था तो रैंकिंग में था 600, पैसे कमाते थे 0.3 मिलियन ओनली और मैच जीतते थे 49%। लेकिन पॉइंट्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट किया और वो हो गया अगर 52%, तो हालत कितना चेंज हुआ देखो। अब ये पॉइंट जीतने लगा 52%, यानी 49 से कितना चेंज हुआ, ओनली 3-4%। लेकिन वहां कितना चेंज हुआ, 600 रैंक टू थर्ड रैंक, सेल्फ इंप्रूवमेंट, और थोड़ा सा चेंज हुआ सिर्फ, बस सिर्फ इसने 49 से जो मैच पॉइंट है वो 55% किया और ये दुनिया का नंबर वन प्लेयर हो गया। मार्जिनल इंप्रूवमेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट। आपको कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का जरूरत नहीं है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट ह्यूज इंपैक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो मार्जिनल इंप्रूवमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इस फोरम के अंदर, आप सब लोग 5 साल के बाद अलग अलग लेवल्स पे होंगे। हो सकता है अभी भी कुछ लोग अलग लेवल पे हों, लेकिन 5 साल के बाद आप सब लोग अलग लेवल पे होंगे दो कारणों से। वो कारण नोट कर लीजिए, नंबर वन द कंपनी ओन, जिन लोगों के साथ रहते हैं वो पहला कारण होगा आपकी डेस्टिनी का। नंबर टू द बुक्स यू रीड इन द नेक्स्ट 5 years विल चेंज योर डेस्टिनी फॉर एवर। दो कारण, दो बातें आपकी लाइफस्टाइल को इंपैक्ट करेंगी इन द नेक्स्ट 5 years। वो पहली बात ये होगी कि किन लोगों के साथ आप अगले 5 साल अपना जिंदगी बिताते हैं और अगले 5 साल में आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत बड़ा फाउंड हूं किताब पढ़ने का, आप जान के हैरान हो जाएंगे। आपने नाम सुना है बिल गेट्स, हैव यू हर्ड द नेम, सब लोग बात करते हैं बिल गेट्स बिल गेट्स बिल गेट्स, है ना, रिचेस्ट मैन इन द अर्थ, है ना, और दुनिया भर की बातें हैं उसके बारे में कि पैसा गिर जाए तो वो उठाता नहीं है टाइप, ऐसी बहुत सारी फालतू फन की बातें आपने YouTube यूनिवर्सिटी पे Facebook यूनिवर्सिटी पे सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको एक जो फैक्ट बताना चाहता हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जिसका एवरेज रीडिंग बुक है पर ईयर आप जानते हैं कितना है, 80+ बुक्स इन अ ईयर, 80 किताबें। बिल गेट्स साहब हर साल चाट जाते हैं सर, हर साल, तो 10 साल में कितना होगा सोचो, आप सोचो क्या नॉलेज रहता होगा यार। तो मैं नहीं कह रहा आपको बहुत इंप्रूव करने का जरूरत है, मैं कह रहा हूं सिंपल इंप्रूवमेंट। और एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर सकें, और बड़े सिंपल हैबिट है, 30 मिनट्स अ डे अ बुक, एनी बुक, आई कैन गिव यू सो मेनी नेम्स। 30 मिनट अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर दें तो मैं बता रहा हूं 2018 के एंड में आते आते आपका खेल बहुत बदल चुका होगा, बिलीव मी। फायदा होगा कि नहीं होगा एक बात की गारंटी है, नुकसान नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा ना किताब पढ़ने से। सर मरवा दिया, 1 साल किताब पढ़ ली, बर्बाद हो गए सर, सर कहीं का नहीं छोड़ा सर आपने तुमको, ऐसा तो किसी के इतना कर सकते हैं कि नहीं, यस नो यार। अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल प्रिंट किया, ब्लॉग लिखा कि 10 books You must read before you die. 10 किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए मरने से पहले, 10 books you must read before you die. बहुत सारे लोग बुक रीडर होते नहीं है नॉर्मली, है ना, उनको स्टारडस्ट पसंद आती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, when I was in flight, in the morning flight, 5:30 to 7:30, मेरा क्या बोलते हैं वो कान का लीड ऑन था और मैं सुन रहा था अपने कुछ अपनी चीजों को जो मुझे पसंद है सुनना, और मेरे साथ वाली जो क्या बोलते हैं सीट थी उसमें वो चल रही थी बाहुबली 2, उसके पास एक आईपैड था व्यक्ति के पास, बड़े सज्जन पुरुष थे, वो बाहुबली 2 देख रहे थे। आप जानते हैं दिल्ली से सूरत के आने में क्या फर्क हुआ, दिल्ली से सूरत के आने में उसको ये पता चल गया कि बाहुबली को किसने मारा, और मुझे उस 2 घंटे में बहुत कुछ पता चल गया जो उसको कभी पता नहीं चलेगा। दैट्स द डिफरेंस।